असलम स्टूडेंट्स ये हमारा एक्टिव एंड पैसो वॉइस का एक ब्रीफ लेसन है और आज के लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ओके okay, तो किसी भी एक्टिव वॉइस को पेसव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सिक्स बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है ओके सो देर आर सिक्स स्टेप्स टू टर्न एन एक्टिव सेंटेंस इन टू अ पेसव सेंटेंस सो नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज सिक्स स्टेप्स वन बाई वन तो आइए अब हम इन सिक्स स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जिनको हम एक्टिव वाइज से पेसव वाइज कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे स्टेप नंबर वन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस ओके तो सबसे पहले आपके पास जो एक्टिव वाइज का सेंटेंस है आप उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे स्टेप नंबर टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस टू बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द न्यू सेंटेंस। ओके, फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जो एक्टिव वाइस का सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप वहां से पिक कर लेंगे और अपने नए सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेंगे स्टेप नंबर थ्री चेक द टेंस ऑफ द एक्टिव सेंटेंस फिर आप गिवन सेंटेंस के टेंस को चेक करेंगे ओके जो एक्टिव वाइस का सेंटेंस आपके पास होगा उसके टेंस को आप चेक कर ले स्टेप नंबर फोर चूज द फॉर्म ऑफ द बी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज और जो भी टेंस आया है उस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसके बाद बी वर्ब को चूज करेंगे अब बी वर्ब क्या होता है बी so, वर्ब जो है वो इंग्लिश में उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है इज एम आर वॉज बीन ठीक है डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हो सकती है और फिर उसके बाद स्टेप नंबर फाइव एड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब ओके फिर हम क्या करेंगे बी वर्ब लगाने के बाद हम जो मेन हमारा जो वर्ब है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का उसकी पास पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो वो ऐड करेंगे स्टेप नंबर सिक्स तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे सो वी ऐड द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस यूजिंग द वर्ड बाय तो फिर हम जो एक्टिव सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को हम पेसो वॉइस के ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे तो पेसो वॉइस में सबसे एंड पे हम उस सब्जेक्ट को लिखेंगे और उससे पहले हम वर्ड लिखेंगे बाय तो आइए अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दे हैव मेड मेनी प्रोमिस ओके तो ये हमारा आ, एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको हमने पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ओके तो सबसे पहले हम जिस तरह भी हमने स्टेप्स देखे थे वॉइस में कन्वर्ट कर करने के लिए हम इस सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट को वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है दे दे यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है मेड यहाँ पे वर्ब है और मेनी प्रोमिस तो ये हमारे सेंटेंस का क्या है ऑब्जेक्ट है ओके तो हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया अब हम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइस में ऑब्जेक्ट है मेनी प्रोमिस तो हम लिखेंगे मेनी ओके okay? और फिर उसके बाद क्या स्टेप था कि हम गिवन सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ, हुआ है अब देखें दे हैव मेड मेनी इसमें कौन सा टेंस है तो इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस यूज हुआ हुआ है वो है प्रेजेंट ओके okay? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और अब इसके अकॉर्डिंग हम बी uh, वर्ब को चूज करेंगे अब बी वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसकी uh, ये दो फॉर्म्स हो सकती हैं इन दो फॉर्म्स में से कोई हो सकती है हैव बीन और हैज बीन ठीक है तो ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चूज किया जाता है हैव बीन बीन या हैज हैज बीन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा और बाकी सब के लिए हैव बीन यूज होगा अब मेनी प्रोमिस अब ये देखें एक प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट है हमारा तो हम यूज करेंगे हैव बीन सो मेनी प्रोमिस हैव बीन और फिर उसके बाद हम मेन जो वर्ब है हमारे एक्टिव सेंटेंस का उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पे देखें मेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज की हुई है तो बेसिकली ये जो मेन uh, वर्ब है वो है मेक तो मेक की थर्ड फॉर्म है मेड तो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेड और फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाय और फिर एंड पे हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था आयशा तो यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को उठा के लिख लेंगे आयशा तो पैसिव वॉइस बन जाएगी दिस ब्यूटीफुल पोयम वाज रिटन बाय आयशा तो आइए अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं द टीचर वाज डिलीवरिंग द लेक्चर तो ये हमारा एक्टिव तो वॉइस का सेंटेंस है जिसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ओके तो सबसे पहले इसी तरह हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं द टीचर द टीचर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है डिलीवरिंग तो डिलीवर यहाँ पे वर्ब है और द लेक्चर द लेक्चर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पेस वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे जो है द लेक्चर तो सबसे पहले फिर हम क्या लिखेंगे द लेक्चर ओके और फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है द टीचर वॉज डिलीवरिंग द लेक्चर तो ये कौन सा टेंस है तो ये जो टेंस है ये है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हमने बी वर्ब चूज करना है और वो लगाना है तो अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो बी वर्ब होता है वो क्या होता है जी वॉज बीइंग या वर् बीइंग कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी होते हैं उनमें बीइंग आता है पैसा वाइस में वॉज तो बींग या वर्ड तो बींग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा और वर्ड बींग जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा तो यहां द लेक्चर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो इसलिए हम लिखेंगे वॉज बींग और फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डिलीवर की थर्ड फॉर्म होगी डिलीवर्ड और उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट को उठा के लिख लेंगे तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट था द टीचर तो यहां पे हम लिख लेंगे द टीचर तो इस तरह ये सेंटेंस पेसो वाइस में होगा द लेक्चर वॉज बींग डिलीवर्ड बाय द टीचर अब ये एक और सेंटेंस है हमारे पास दे विल अटेंड द मीटिंग और इसको हमने वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले अगेन उसी तरह हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है अटेंड ये वर्ब है और द मीटिंग द मीटिंग यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है तो पेसर वाइस बनाते हुए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द मीटिंग और उसके बाद हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का अगेन टेंस देख लेते हैं तो दे विल अटेंड द मीटिंग तो कौन सा टेंस यूज हुआ है यहाँ पे तो ये है जी सिंपल फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ओके तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब हम बी वर्ब चूज करेंगे वो लिखेंगे तो बी वर्ब जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है विल बी या शेल बी ओके तो विल बी कब यूज होता है तो ये किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है इवन के सेकंड पर्सन के लिए भी यूज होता है यू के साथ भी विल बी ठीक है ठीक है आई और वी के लिए शेल बी होता है मोस्टली ठीक है तो आप विल बी सब के लिए यहां पे यूज कर सकते हैं तो द मीटिंग और उसके बाद हम लिखेंगे विल बी और ये बी वर्ब हो गया और उसके बाद हमने मेन वर्ब की पास पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखनी है तो अटेंड जो है यहाँ पे मेन वर्ब है इसकी जो पास पार्टिसिपल फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी अटेंडेड तो हम लिख लेंगे अटेंडेड द मीटिंग विल बी अटेंडेड उसके बाद बाय बा और फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट यहाँ पे था दे अब दे की यहाँ पे क्योंकि अब दे को हमने यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट लिखना है पेसर वॉइस में तो इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे तो दे की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है देम मीटिंग विल बी अटेंडेड बाई दे पास पेसोवाइसेंटेंस है तो प्रॉब्लम पे है? है, है? है. तो बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे द प्रॉब्लम और उसके बाद टेंस को चेक कर लें एक्टरवाइजेंस का जो टेंस है वो क्या है प्रॉब्लम तो कौन सा टेंस है यह ये है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग जो बी वर्ब होगा वो क्या होगा वो होगा एम बींग और इज बींग और आर बींग ठीक है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा जो बी वर्ब होता है वो क्या होता है एम बीइंग या इज बींग या आर बींग. तो ये हमारे पास इनमें से कोई भी हमने यहाँ पे बी वर्ब चूज करना है आपको बताए एम बींग एम जो है वो आई के साथ यूज होगा ठीक है इज बींग जो है वो कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन है उसके साथ यूज होगा और आर बींग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे क्या आएगा इज बींग इज बींग और फिर जो मेन वर्ब है एक्टिव सेंटेंस का वो है सॉल्व तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म होगी सॉल्व ओके उसके बाद बाय और फिर जो सब्जेक्ट सी है इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी हर तो द प्रॉब्लम इज बींग सॉल्व बाय हर तो ये इसका पेसव वाइस हो गया द प्रॉब्लम इज बींग सॉल्व बाय हर तो आज के लेसन में हमने ये देखा कि हम किसी भी एक्टिव वाइस को सिक्स स्टेप्स को फॉलो करते हुए इजिली पेसव वाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं